वेट लॉस ही नहीं बीपी और डायबिटीज में भी फायदेमंद है ये फल। जाने इसके ये 17 फायदे। नए लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुने। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। ये बहुत बड़ा और काफी स्वादिष्ट फल है जो कई सारे गुणों का खजाना है। इसे खाने से वेट लॉस तो होता ही है, साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर में भी राहत मिलती है। यह ट्रॉपिकल क्षेत्रों में खास तौर पर पाया जाता है। आइए हम आपको फल का नाम भी बता देते हैं। यह लजदार फल कोई और नहीं बल्कि कटहल है। कटहल को अंग्रेजी में जैकफ्रूट कहते हैं। बड़े पैमाने पर इसकी सब्जी, कोफ्ता, कबाब और अचार बनाते हैं और इसे फल की तरह भी खाया जा सकता है। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कई विटामिन्स भी पाए जाते हैं। कटहल का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। आइए जानते हैं इसके फायदे। नंबर 1, कटहल की पत्तियों की राख अल्सर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसकी ताजा हरी पत्तियों को साफ धोकर सुखा लें और उसका चूर्ण तैयार कर लें। पेट के अल्सर में इस चूर्ण को खाने से काफी आराम मिलता है। नंबर 2, मुंह में छाले होने पर कटहल की कच्ची पत्तियों को चबाकर थूक देना चाहिए। यह छालों को ठीक कर देती है। नंबर 3, पके हुए कटहल के गूदे को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबाल लें। इस मिश्रण को ठंडा करके एक गिलास पीने से जबरदस्त स्फूर्ति आती है। यही मिश्रण यदि अपच के शिकार रोगी को दिया जाता है तो उसे फायदा मिलता है। फायदे अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले अपडेटेड हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। नंबर 4, डायबिटीज में कटहल की पत्तियों के रस का सेवन काफी फायदेमंद रहता है। यह रस हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी उत्तम है। नंबर 5, इसके छिलकों से निकलने वाला दूध यदि गांठनुमा सूजन, घाव और कटे फटे अंगों पर लगाया जाए तो आराम मिलता है। इसके दूध से जोड़ों पर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर 6, कटहल के पेड़ की ताजी कोमल पत्तियों को कूटकर छोटी छोटी गोली बना लें। इससे गले के रोगों में फायदा होता है। नंबर 7, पके कटहल का सेवन करने से पेट साफ होता है, साथ ही अपच की समस्या का निवारण हो जाता है। नंबर 8, कटहल की जड़ अस्थमा के रोगियों के लिए लाभदायक मानी जाती है। इसे पानी के साथ उबालकर बचा हुआ पानी छानकर पीने से अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 9, थायराइड के लिए कटहल उत्तम है। इसमें मौजूद मिनरल्स और कॉपर थायराइड थायराइड के लिए प्रभावशाली होता है। यहाँ तक कि यह बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। नंबर 10, कटहल में मौजूद मैग्नीशियम हड्डी में मजबूती लाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बचाता है। नंबर 11, पके हुए कटहल के पल्प को अच्छी तरह से मैश करके पानी में उबालकर पीने से ताजगी आती है। कटहल में विटामिन ए पाया जाता है जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा निखरती है। नंबर 12, कटहल में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो हमारे दिल की सेहत दुरुस्त रखने में अहम रोल अदा करता है। दरअसल पोटेशियम मांसपेशियों के कामकाज में सामंजस्य बनाने और उन्हें बरकरार रखने में मदद करता है। इसके साथ ही यह हमारी बॉडियों में सोडियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है जो हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 13, इसमें विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में यह कारगर रोल निभाता है। मजबूत इम्यूनिटी बीमारियों और इन्फेक्शन को शरीर से दूर रखने में अहम रोल निभाती है। नंबर 14, यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो अपना वजन घटाना चाहते हैं। इसमें फैट नहीं होता और कैलोरी भी काफी कम होती है। इसके साथ ही इसमें काफी मात्रा में पौष्टिक तत्व भी होते हैं। कटहल में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है जिससे पेट काफी देर तक भरा भरा महसूस होता है। नंबर 15, कटहल के बीज का चूर्ण बनाकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे मिट जाते हैं। नंबर 16, जिन लोगों का चेहरा रूखा और बेजान होता है उन लोगों को कटहल का रस अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। उसकी मसाज तब तक करें जब तक कि यह सूख न जाए, फिर थोड़ी देर के बाद अपना चेहरा पानी के साथ धो लें। नंबर 17, झुर्रियों से निजात पाने के लिए कटहल का पेस्ट बनाकर और उसमें एक चम्मच दूध मिलाकर धीरे धीरे चेहरे पर लगाना चाहिए, फिर गुलाब जल या ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें। नियमित रूप से ऐसा करने से चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा उपाय सबसे पहले करना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्दी ही हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।